अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आज आपको हुमस बनाना सिखा रही हूँ। हुमस में जिस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आपको बताती हूँ कि हुमस में हमें क्या क्या चाहिए ना। हुमस में हमें ये एक तो चने चाहिए, मेरा एक कैन है, एक कैन था मेरा, उस कैन में से मैंने चनों को निकाल लिया, पानी उसका मैंने अलग कर लिया है क्योंकि पानी हम थोड़ा सा ही डालेंगे, सारा पानी डालना नहीं है हमने उसमें, जितनी हमें ज़रूरत होगी हम उतना डालेंगे। बाकी चने मैंने अलग कर लिए, फ़िल्टर कर लिए हैं उसमें से। ये मैंने गार्निश के लिए चने रखे हैं। ये मेरा लेमन वाटर है, एक लेमन मैंने बड़े साइज़ का, एक लेमन वाटर है हमारा, और ये तीन मैंने गार्लिक के जवे लिए हैं, तीन गार्लिक की कलियाँ लिए हैं, तो कलियाँ लिए हैं तो ये, और ओलिव ऑयल हमें एक्स्ट्रा वर्जन और ओलिव ऑयल यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है। खैर ओलिव ऑयल लेना है हमने, इसको नहीं लेना। और जी हम अब इसका बनाना शुरू करते हैं, चने डालते हैं। सॉल्ट है, मैं अभी आपको सॉल्ट बताना भूल गई, दिखाना सॉल्ट भी जाएगा इसके अंदर। लहसुन चला गया, लेमन वाटर चला गया, और जी इसके अंदर ये मेरा सॉल्ट है। सॉल्ट मैं बहुत थोड़ा डाल रही हूँ। हाँ ये देखें, बहुत थोड़ा सा, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से नमक डाल लें। अच्छा जी, इसको ग्राइंड करते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूंगी, मैं देखूंगी कितनी थिक चाहिए हमें, सारा पानी नहीं डालते हैं। ये कैन का सारा पानी ही मैंने इसमें डाल दिया, इसकी मुझे है कि मतलब ज़्यादा डालने से पतला नहीं होगा तो ये इसकी थिकनेस सही रहेगी। थोड़ा सा और चॉप करते हैं फिर निकालते हैं। जी देखें मैंने इसको अपने बॉल में निकाल लिया है। ये हमें ऐसी ही पेस्ट चाहिए, ये देखें ये इतना थिक होना चाहिए, ज़्यादा पतला भी ना हो और ज़्यादा वो भी सख्त भी ना हो, ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो, लिक्विड की तरह हो कि आप रोटनी वाले के साथ। अच्छा अब हमने क्या करना है, इसको इस तरह की वो देनी है आपने, लाइनें आए इसमें। अच्छा इसमें ये है कि यहाँ तो अरब में तो ये लोग वो नहीं खाते हैं मिर्चें ज़्यादा, तो हम भी ये मिर्चें ज़्यादा नहीं खाते, लेकिन ये कि अगर आप पाकिस्तान में बना रहे हैं या जो ज़्यादा स्पाइसी खाता है तो उस पर पेपरिका पाउडर डाल ले। चने डालते हैं इसके ऊपर हम, यहाँ ये ऐसे ही मिलता है, इस पर मिर्चें ये लोग डाल के नहीं खाते हैं, लेकिन हमारे टेस्ट जो लोग हैं डेवलप हैं मिर्चों का जिनको है वो अब डाल सकते हैं पेपरिका पाउडर इसके ऊपर से। ये ओलिव ऑयल डाल रहे हैं हम, इसमें मेरे 3 टेबल स्पून ओलिव ऑयल के चले जाएंगे, ठीक है। ये रेडी है हमारा हुमस, होममेड हुमस, आप ज़रूर बनाइएगा। और ज़रूरी नहीं है चने आप भी ऐसे डालें, तो मैंने गार्निश के लिए डाले हैं, यहाँ डले हुए होते हैं ऐसे जैसे हम बारबेक्यू खाने जाएं तो ये है। मैं बाकी आपको और टाइप की भी सिखाऊंगी, अभी तो ये है कि आप इसको ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आपको हुमस कैसा लगा। और जी दुआओं में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।